नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप हैं रेडियो इंडिया पर। पिछले दिनों से लगातार कोरोना वायरस को लेकर के हम लोग एक ज़मीनी लेवल की रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखाते रहे हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर के देश संजीदा है। हालांकि तमाम तरह की जो अपवाद हैं वो भी सामने आते रहते हैं और कहाँ कहाँ खामियाँ हैं इस पर बहुत कम चर्चाएँ हो रही हैं। इसी का नतीजा है कि मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की मौत हो गई। पिछले दिनों यहाँ के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के यहाँ पीएसओ और ड्राइवर की भूमिका में रह रहे एक शख्स की मौत हो जाने की वजह से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मची हुई है। इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि दबे स्वर में यहाँ के अब नेता ये कह रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो मेडिकल प्रशासन है उसने गंभीर लापरवाही बरती है। लेकिन ये सवाल तब उठाए जा रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के खुद ही सर पर ये सारी कहानियाँ आकर मढ़नी शुरू हो गई हैं। जब तक आम जनता तिल तिल कर मर रही थी, जब तक आम जनता को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, तब तक यहाँ के लोग बिल्कुल शांत और खामोश बैठे थे। ऐसे में बिभांशु नाम के एक शख्स की मौत हो जाना और यहाँ से गंभीर हालत में दिल्ली रेफ़र कर देना, यानी कि जब उनके काबू में नहीं रहा मैटर तब उन्होंने यहाँ से उसको रेफ़र कर दिया और दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल सफदरजंग या एम्स में जाकर उसकी मौत हो गई। इसके पीछे की जो कहानी है, जो सच्चाइयाँ हैं, अब धीरे धीरे दबे स्वर में सामने आ रही हैं। समाज के तमाम लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने को अब जुट गए हैं। पिछले दिनों लगभग 4 से 5 ऐसे केसेस आए हैं जिनमें मौत हो जाने के बाद मेडिकल प्रशासन ने यह रिपोर्ट दी है कि इस शख्स को कोरोना थी। कैलाशी अस्पताल है मेरठ के बाईपास पर, वहाँ से भी आज मेरे पास एक फ़ोन आया कि यहाँ पर एक शख्स था जिसको एडमिट करा लिया गया था और उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट उसकी 4 दिन के बाद आई जब उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद पता चला कि वो आदमी कोरोना पॉजिटिव था। डॉक्टर से लेकर के तमाम आईसीयू और जितने भी इमरजेंसी के स्टाफ थे वो सभी उसकी जद में थे, वो सभी क्वारंटीन होने के फिराक में लग गए। यहाँ पर मामला ये नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाए या इन लोगों के खिलाफ कोई प्रेशर बनाया जाए। मामला इस बात का है कि हम सभी लोग क्यों नहीं ये समझ पा रहे हैं कि कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। कोरोना से अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान जैसे लोग, जैसे देश जब उबर नहीं पा रहे हैं तो भारत, आखिर राम भरोसे रहने वाला भारत किस तरीके से उबर पाएगा। भारत में रोज़ाना लाखों की संख्या में पीपी किट्स की आवश्यकता होती है, इसके अलावा ग्लव्स की आवश्यकता होती है, टेस्टिंग किट्स की आवश्यकता होती है, वेंटिलेटर्स हमारे देश में सबसे कम है। अगर आपातकाल, ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, अगर आपातकाल हो गया तो भारत में वेंटिलेटर्स की संख्या मांग के अनुसार मात्र 1 या 2% है। कैसे दे पाएंगे आप किसी को सफल जीवन, कैसे दे पाएंगे आप किसी को अच्छा जीवन? देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, कोरोना के साथ लोग राजनीति कर रहे हैं तो कहीं कहीं कोरोना भी लोगों के साथ राजनीति करता दिख रहा है। इसकी म्यूटेशन की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही, वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पा रहा है कि ये कोरोना का असली फॉर्मेट क्या है, कोरोना का असली जो रंग रूप कह लें सामान्य सी भाषा में वो क्या है, ये वैज्ञानिकों को भी नहीं पता चल पा रहा है। इसी बीच अमेरिका और चीन के बीच जो राजनीति हो रही है वो भी दुनिया के सामने है। इसके अलावा भारत में, भारत की हम खासकर बात कर रहे हैं और खासकर वेस्टर्न यूपी से लेकर के मेरठ की बात करें तो यहाँ पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके मुंह में अब ये जुबान, ये इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो खुलकर यहाँ के प्रशासन के समक्ष कुछ बोल सकें, इस प्रशासन की कमियों को खुलकर किसी के समक्ष उजागर कर सकें। आखिर उसके पीछे की हकीकत क्या है या उसके पीछे की जो कमी है वो क्या है, मजबूरी क्या है, आखिर क्या आप जुबान नहीं खोल पा रहे हैं, आखिर किस तरह की मजबूरी में फंसे हुए हैं। इधर जब लापरवाही की वजह से आपके खुद के खेमे के एक नेता की मौत हो जाती है, उसके बाद भी आप लोग इस तरीके से अगर प्रशासन की कमियों को छुपा कर रखना चाहेंगे तो माफ़ कीजिएगा कि आने वाले समय में किसी भी तरह से आप इस अफसरशाही को बेनकाब नहीं कर सकते, आप में इतना मादा नहीं होगा। सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, इसके अलावा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इस वक्त लगभग 5 से 6 दर्जन ऐसे लोग हैं जो यहाँ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपनी आवाज़ को बिल्कुल बखूबी उठाने आना चाहिए और प्रशासन से लेकर जिसकी भी गलती हो उसके खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई सपोर्टर है तो आप उसको बचा कर रखेंगे, ये बिल्कुल नियमों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और अब जब आपके ऊपर ये बातें पड़ रही हैं तो अब ये पता चल रहा होगा कि ये आपके भी खिलाफ़ है।